मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब हम 20s के दौर में कंप्यूटर लेने जाते थे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही जो है हमारे साथ आता था इस कंप्यूटर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 और 90s के दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सिस्टम हुआ करता था काफ़ी सारे सिस्टम्स पर। और ये भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। और आने वाले जून 2022 में, इस साल नहीं अगले साल जो जून आने वाला है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट टू रिटायर इंटरनेट एक्सप्लोरर इन जून 2022 जून में ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और बंद होने का सेंस ये है कि अब इस पर जो है कोई भी, हम कह सकते हैं कि अपडेट वगैरह नहीं आएंगे, और अपडेट वगैरह नहीं आएंगे तो जो है इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब हमें नहीं मिलेंगी। और इसकी जगह पर जो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है वो किया है, आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज। अब ये इस सॉफ्टवेयर को, इस ब्राउज़र को ही जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने वाला है, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो मेन अंतर हो सकते हैं वो ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों आपने देखा होगा एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी इसका जो है इंजन नहीं बनाया गया था, इसका एप्लीकेशन नहीं बनाया गया था, लेकिन ऐसे में अब माइक्रोसॉफ्ट एज को लेकर आए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है काफ़ी बेहतरीन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र बताया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और काफ़ी अच्छे जो ब्राउज़र्स हैं जैसे कि क्रोम और मोज़िला, इनको भी जो है आने वाले समय में वो टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये जो है सभी विंडोज़ के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, सभी के लिए अवेलेबल है। इसको जो है जो बेस्ट ब्राउज़र है, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि प्राइवेसी के तौर पर भी ये जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब से जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है एज पर ही काम करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आप जो है कंसोल विंडो देख सकते हैं, ये जो है काफ़ी बेहतरीन है स्पीड के मामले में भी, विंडोज़ के लिए, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए योर प्राइवेसी रिस्पेक्टेड। प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पर ही काम किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है पूरी तरीके से आने वाले जून 2022 में, अभी भी एक साल है दोस्तों, जून 2022 में पूरी तरीके से सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर फिर आगे से जो है किसी भी अपडेट के साथ काम नहीं करेगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सर्च इंजन ब्राउज़र जो है ये होने वाला है, ऐसा हमें उम्मीद है, जो कि क्रोम और मोज़िला और सफारी जैसे सर्च इंजन को जो है टक्कर देगा, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन टेक्नो से भी दोस्तों से जो कि इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।